महासमुंद जिले के पिथौरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें विभागीय लापरवाही के चलते शासन से मिलने वाले कोरोना प्रभावित एक परिवार के बच्चों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। महासमुंद जिले के पिथौरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें विभागीय लापरवाही के चलते शासन से मिलने वाले कोरोना प्रभावित एक परिवार के बच्चों को लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। इधर मामले के संज्ञान में आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए राजनीति से जुड़े लोगों ने भी इस पर हंगामा शुरू कर दिया है। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार इतवारा के वार्ड क्रमांक 3 निवासी रामेश्वरी साहू कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र भी दिया गया, लेकिन कोरोना वायरस से मौत होने का ऑनलाइन एंट्री अस्पताल प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया, जिससे अब समस्या सामने आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना वायरस से मृतक के परिजनों और बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की गई है। इस मामले में रामेश्वरी साहू के मृत होने का ऑनलाइन एंट्री दर्ज नहीं होने से बच्चों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और मृतक के बच्चे शासन की निशुल्क शिक्षा व्यवस्था के लाभ से वंचित हो रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में साफ तौर पर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। मामले को लेकर पिथौरा के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तारा अग्रवाल ने कहा कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त कोरोना का काफी दबाव था, जिसकी वजह से चूक हुई होगी। बहरहाल इस मामले में मृतक के बच्चों को शासन की योजना से वंचित करने की वजह से परिजन काफी क्षुब्ध हैं। इधर दूसरी ओर राजनीति से जुड़े लोगों ने भी मामले को लेकर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामला क्या है तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ मेरे को आते 10 रोज हो गया है, मेरे मिलीच नहीं रहे, घुमा रहे हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चाहिए मेरे को, मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे नहीं रहे। मेरे बच्चे का आत्मानंद स्कूल में भी एडमिशन होने वाला था, जो किसी कारणवश ऑनलाइन नहीं हो पाया है, इसलिए इनका एडमिशन वहाँ रद्द कर दिया गया है। इसकी शिकायत आप किए थे कहीं? जी, कहाँ किए थे? यहीं हॉस्पिटल में। 10 रोज हो गया मेरे को आते यहाँ। क्या बोलते हैं आके? यहाँ के बीएमओटा डॉक्टर तारा अग्रवाल का क्या कहना उसमें? वो कुछ नहीं, आश्वासन बस देते हैं, झूठी आश्वासन देते हैं। उस दिन हमने वो एंट्री तो पूरा करवाया था कि उनका आईपीडी में सब एंट्री है, रजिस्टर में एंट्री है पॉजिटिव रिपोर्ट की, पर हमारे जो लैब टेक्नीशियन है और हमारे जो स्टाफ नर्सेस हैं, जो टेस्ट किया है, जिन्होंने टेस्ट किया है, उनके द्वारा त्रुटिवश नहीं हो पाया था और जिसकी एंट्री 19/7 को ऑनलाइन की गई है। कहीं ना कहीं इसमें जो है उन्होंने की लापरवाही नजर आ रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही मैं कहूँगी कि उस समय कोविड का काफ़ी प्रकोप था, जिसके कारण वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा था सभी कार्यकर्ताओं में, स्टाफ नर्स में, आईपीडी में, हमारे लैब टेक्नीशियन में भी सभी कुछ काफ़ी था। तो त्रुटिवश ऐसा हो सकता है उनसे कि एंट्री नहीं हो पाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई अस्पताल के बाहर, बहुत हंगामा हुआ, उस पर क्या कहना? उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे हमारे पास, उनसे बात हुई है और चर्चा करने पर ये समाधान निकला है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस जिले से भी मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से बात मिली है हुई है और इसका समाधान हो जाएगा। सराईपाली से किशोर कर की रिपोर्ट, एसी एंटो।